ढेकियाजली, जिसे शहीद नगरी के नाम से जाना जाता है। इस शहर के उल्लेखनीय शैक्षिक संस्थानों में से एक है ढेकियाजली महर्षि विद्यालय ढेकियाजली। विद्यालय के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय पर्याय की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त किया है। छात्रों की सफलता को देखकर शिक्षक भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है मुनीता शाह और मैं इस स्कूल में लगभग 4-5 साल हो गया मेरा। मैं अपर क्लास का क्लास पढ़ाती हूँ, क्लास 5-10 हिंदी सब्जेक्ट लेती हूँ और ये लोअर क्लास का रहती है। तो इस एग्जाम के लिए मैंने बच्चों को बहुत ही प्रोत्साहन दिया था और जिस हिसाब से मैंने उन लोगों को प्रोत्साहन दिया था उस उम्मीद में वो लोग खड़ा भी उतरा है और उनके पढ़ाई के लिए मैंने भी बहुत कष्ट किया उन लोगों के लिए और जिस तरह मैंने सोचा था उस हिसाब से उन लोगों का रिजल्ट अच्छा भी हुआ है और फ्यूचर में भी मैं चाहती हूँ कि वो लोग इस विषय में और भी आगे बढ़े और इस हिंदी एग्ज़ाम का डिग्री ले, वो प्रवीण तक करे, एम ए कर ले इसमें, तो आगे चल के उनके लिए फ्यूचर में बहुत सुविधा होगा। कहीं भी जाएंगे तो वो अपना एक एक्स्ट्रा अपना ये डिग्री दिखा सकते हैं। Good morning, my name is Biki Datta and I teach them English, so basically I'm gonna answer in English and I have guided them enough, they have performed very well as I expected and I am very happy for them, so it is all about their hard work and I'm very happy about it, so how they achieved their goal in this exam and being a teacher I feel okay, like it's something there fighting with a different kind of thing out of studies and all, and in future it will help them dealing with a lot of exams, competitive exams which are mandatory for their upcoming life and all, so I bless them all and I hope they'll succeed in life, so it's all about hard work and they have done that, so it's all about that. Thank you. मैंने बहुत अच्छे अच्छे किया था लेकिन टीचर्स और मिस लोगों ने क्या क्या हेल्प किया था तुमको इस एग्जाम में? हेल्प कुछ क्वेश्चन पूछा था, मिस ने बोला था, क्वेश्चन पढ़ के दिया था, फिर मैंने आंसर लिखा था। और मम्मी पापा ने? मम्मी पापा ने पढ़ा के दिया था, एक स्कूल मतलब घर में पढ़ा के दिया था। कितना टाइम प्रिपरेशन किया था तुमने? कितना टाइम? एक घंटा। मन एक घंटा, दिन में एक घंटा? हाँ। ओके, थैंक यू। नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट एग्जाम में आपने कैसे प्रिपरेशन किया था? पहले बुक लिया था एक ग्रामर का, मतलब जीके का, उसके बाद उसी से लर्न किया था जो जो वही मतलब आया था। मतलब कितना टाइम स्टडी किया था? दिन में ऐसे एक घंटा, एक घंटा डेढ़ घंटा। टीचर्स का हेल्प आपको कैसे मिला था? टीचर्स ने थोड़ा हिंट दिया था कि ये सब आ सकता है, वो सब आ सकता है। मतलब पेरेंट्स लोगों ने पूरा सपोर्ट किया था कि दो ऐसा दिया था लेने के लिए, बुक लेने के लिए। टाइम ऑफ प्रिपरेशन किया था? डेली 1.5 आवर। 1.5 आवर, थैंक यू। करंट एग्जाम में आपने कैसे प्रिपरेशन किया था? मैं पढ़ती थी बहुत बहुत, मतलब 2 घंटा 1 घंटा ऐसे पढ़ती थी और मम्मी पापा ने बहुत वो किया हमें, बस टीचर्स लोगों ने। आप लोगों को क्या क्या हेल्प किया था इस एग्जाम के लिए? हम लोग को कुछ कुछ हिंट दिया था जैसे कि ये पढ़ना ये पढ़ना। मम्मी पापा ने बोला कि टीचर्स लोगों ने जो हिंट दिया है वो सब अच्छे से पढ़ो और तुम खुद भी अच्छे से पढ़ो। कितना टाइम आपने डेली प्रिपरेशन किया था? 1 घंटा 2 घंटा ऐसे। 1 घंटा 2 घंटा, थैंक यू। मैंने प्रिपरेशन किया था और मुझे पता नहीं था कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए मैंने कोई बुक नहीं खरीदा था, तो मेरे मम्मी पापा ने हेल्प किया उसके लिए और टीचर्स ने भी हेल्प किया था और टीचर्स ने लोगों ने मतलब कुछ कुछ बोल के दिया था और हमारे क्लास में सबको बोला था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे थोड़ा बहुत हिंट दिया था। और घर से सपोर्ट आपका? घर से मेरी मम्मी पढ़ाती है मुझे और पापा भी कभी कभी पढ़ाते हैं, तो मम्मी ने मुझे हेल्प किया था। टोटल कितना टाइम आपने प्रिपरेशन किया था? प्रिपरेशन मतलब जब टाइम मिलता था तभी, मतलब एक या फिर 1-2 घंटे ऐसे ही। मेरा नाम
श्रीजना छेत्री है, मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ। आपने नॉर्थ ईस्ट एग्जाम में आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, हाँ। आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था ये एग्ज़ाम देख के। आपने कितना टाइम पढ़ाई किया था? मैंने 3 घंटे पढ़ाई किया था और रात के 2 घंटे। स्कूल से टीचर्स लोगों से आपसे कैसे हेल्प करते थे आपने टीचर्स में? टीचर्स ने, हमारी हिंदी टीचर ने बहुत अच्छा गाइड किया था। और घर से? घर से भी बहुत अच्छा गाइड मिला था मुझे। और एग्ज़ाम कंप्लीट क्लियर करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे प्राउड महसूस हो रहा है। अब मैं चाहूँगी कि मैं इससे भी आगे हिंदी एग्ज़ाम में अच्छा करने की कोशिश करूँ। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? नमस्कार। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम शैलजा कृष्ण है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ और मुझे इस हिंदी एग्ज़ाम को दे के बहुत अच्छा लगा और स्कूल से भी बहुत सपोर्ट मिला, मुनीता मिस ने भी बहुत हमें सहायता की पढ़ने में और मैं 3 घंटे पढ़ती थी। और आपका अनुभव कैसा था? मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, आगे भी मैं इससे अच्छा करूँगा। जिस तरह से मैंने इस एग्ज़ाम में मेहनत किया है उसी हिसाब से मुझे मार्क्स भी मिला है और मैं आशा करता हूँ कि मुझे अगली बार से इससे और अच्छा मार्क्स मिले। एग्ज़ाम में स्कूल ने आपको क्या, स्कूल के टीचर्स लोगों ने आपको क्या क्या सपोर्ट किया था? पढ़ाई में सपोर्ट किया था और मतलब मीनिंग समझा दिया था। पहले आपका परिचय दीजिए। माय नेम इज़ दिव्या नंदी, मैंने अपने परिचय एग्ज़ाम में बहुत ही मेहनत और प्रिपरेशन करके अपना रिजल्ट किया है और मैं चाहती हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम में भी इससे ज़्यादा मेहनत करके अपना रिजल्ट और अच्छा कर पाऊँ और हमें, हमारे स्कूल की तरफ से भी हमें बहुत सपोर्ट मिला है। थैंक यू।